गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग अवर सेकंड चैप्टर दैट इज रीजनल एंड रोमन नंबर्स। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन अवर रीजनल नंबर्स, नाउ टुडे वी विल डू रोमन नंबर्स। बेटा देयर आर सम रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोमन नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो सिंबल और डिजिट फॉर जीरो। फर्स्ट पॉइंट इज there is no symbol or digit for zero। जैसे कि बेटा आप लिखते हो ना, मैंने बोला आपको 10 लिखो, तो how can you write 10 like this 1 and 0। means in our number system, रीजनल सिस्टम ऑल्सो एंड दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑल्सो जीरो इज देयर मीन्स, बट इन रोमन नंबर्स देयर इज नो सिंबल और डिजिट फॉर जीरो। मतलब जीरो के लिए कोई डिजिट रोमन नंबर्स में कोई डिजिट ही नहीं है, कोई सिंबल ही नहीं है डिजिट का, उसका जीरो का। क्लियर? तो वो जीरो को कैसे करेंगे, वो टेन को कैसे करेंगे? टेन को करेंगे वो एक्स करके, एक्स सिंबल से। अब उन्होंने 20 लिखना है, 20 लिखना है तो दे विल राइट एक्स प्लस एक्स 20। उन्होंने 100 लिखना है, 100 फॉर सी। मीन्स जीरो के लिए उनका कोई अलग से उन्होंने सिंबल बनाया ही नहीं है। क्लियर बेटा? नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दिस सिस्टम हैज नो प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम आपने पढ़ा है, जैसे कि हमारे में नहीं है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, देन 10,000, लैख, 10 लैख, अपना प्लेस वैल्यू होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, हिंदू अरेबिक सिस्टम में। बट इन रोमन न्यूमरल्स देयर इज नो प्लेस वैल्यू सिस्टम। देयर इज नो प्लेस वैल्यू सिस्टम इन रोमन न्यूमरल्स। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, द रोमन डिजिट्स आई एक्स सी आर रिपीटेड अप टू 3 times इन सक्सेशन टू फॉर्म द नंबर। मीन्स ये नंबर्स आप रिपीट करेंगे, कौन कौन से? I, X and C। इन नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं सिर्फ 3 times तक, 3 बार। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वेन आई राइट, जब हमें लिखना हो 1 लाइक दिस, और सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो 1 इन रोमन न्यूमरल्स। सेकेंड 2 means like this, and 3 like this, 4 को आप 1 2 3 4 ऐसे 4 sticks नहीं लगाओगे। 4 के लिए रोमन नंबर्स में एक अलग सा है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे अपने। अभी जो है I, then come to the X, X means 10, 20, अगर 20 लिखना है तो x प्लस x, बेटा ये प्लस हो जाते हैं। मीन्स जैसे कि 1 में 1 सिंपल था, और ये 1 प्लस 1 दैट इज 2 एंड सिंपल इज फॉर दिस। 3 के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। क्लियर? फॉर 10, x फॉर 10, 10। हाउ टू राइट 20? This symbol is this x for 10 and then plus 10, that is 20. Clear? Now 30 means x and x, that is 10 plus 10 plus 10, 3 times, 1 2 3, this is 10 10 10, we have to add 30। Means आपको अगर 40 लिखना है तो आप 4 बार x नहीं लिखोगे, दैट इज रॉन्ग। क्लियर बेटा? जो आपका जो थर्ड पॉइंट था, द रोमन न्यूमरल्स डिजिट्स I, X एंड C, ये आपके रिपीट होंगे। मतलब देखो ना, आपने रिपीट किया ना, X, X, X रिपीट किया, रिपीट कितनी बार होंगे? सिर्फ 3 बार। आप इसको 3 times ही रिपीट कर सकते हैं, और सेम C का होता है। C means C stand for 100। अगर आपने 200 लिखना है तो C एंड C, दैट इज
100 प्लस 100 दैट बिकम्स 200. क्लियर बेटा? देन सी 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 दैट इज 100 प्लस 100 एंड प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 300. क्लियर दिस वन? मीन्स आपने जो फर्स्ट जो हमारा ये पॉइंट था कि आई एक्स एंड सी, आई एक्स और सी को हम सिर्फ तीन बार मैक्सिमम थ्री टाइम तक रिपीट कर सकते हैं किसी नंबर को बनाने के लिए. क्लियर बेटा? मीन्स 100 अगर आपको 400 लिखना है तो आप फोर टाइम सी नहीं लिखोगे, आप सिर्फ मैक्सिमम थ्री टाइम तक ही लिखोगे. क्लियर दिस वन? दिस पॉइंट आई एक्स एंड सी रिपीट अप टू ओनली थ्री टाइम्स. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस वन इज द डिजिट वी एल एंड डी. नाउ वी एल एंड डी, वी स्टैंड फॉर 5, एल स्टैंड फॉर 50 एंड दिस डी स्टैंड फॉर 500 आर नॉट रिपीटेड. ये आपके नंबर जो है रिपीट नहीं होंगे. द रिपीटेशन ऑफ द आई बी एंड डी इज इनवैलिड इन द फॉर्मेशन ऑफ नंबर. नाउ डिस्कस दिस पॉइंट. वी वी एल एंड डी, वी आपको होता है 5, वी फॉर वी स्टैंड फॉर 5, एल स्टैंड फॉर 50 एंड डी स्टैंड फॉर दैट इज 500. ठीक है, ये रिपीट नहीं होंगे. मीन्स इनको आप सिर्फ एक टाइम ही लिख सकते हो, सिर्फ एक बार. फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लिखना है, 5 लिखना है तो यू कैन राइट 5 लाइक दिस, 5 ऐसे लिख दोगे. अगर आपको 50 लिखना है तो आप लिख दोगे L. अगर मैं बोलूं 10 लिखो तो आप ऐसे नहीं कर सकते, 5 और 5 वी वी, मतलब V को और L को और D को तो आप रिपीट करना ही नहीं है एक टाइम. ओनली वन टाइम यू हैव टू राइट डाउन, सिर्फ एक टाइम लिखना है. अगर आपने वी वी लिख दिया दैट इज इनवैलिड, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता रोमन न्यूमरल्स में. ठीक है, वी वी मीन्स मतलब 5 प्लस 5 तो 10. 10 के लिए हमारे रोमन न्यूमरल्स में एक अलग सिंबल है दैट इज एक्स. सेम ऐसे ही आप एल और एल को रिपीट नहीं करोगे दो बार भी. क्यों? एल एल 50 प्लस 50 दैट इज 100, जबकि रोमन न्यूमरल्स में 100 के लिए तो एक स्पेशल सिंबल दिया हुआ है दैट इज सी. आप एल एल नहीं करोगे, एल एल इज रॉन्ग. सेम ऐसे ही डी डी एंड डी, डी डी मीन्स 500 प्लस 500, आप मीन्स टू टाइम भी रिपीट नहीं कर सकते, 3 की तो बात ही अलग है. फिर 500 प्लस 500 दैट इज 1000. 1000 के लिए भी रोमन न्यूमरल्स में अलग से है दैट इज एम. क्लियर बेटा? देखो एक बात यहां देखो, दैट इज आई एक्स एंड सी, ये था आपका 1, ये था आपका 10 और ये था सी था आपका 100. जब 1, 10, 100 ये आपके रिपीट हो सकते हैं, जो सेकंड पॉइंट था आपका 1, 10, 100 रिपीट हो सकते हैं कितनी बार? 3 टाइम्स. और जबकि 5, 50 सेम सेम नंबर ना, 5, 50, 500 ये रिपीट नहीं हो सकते, ये सिर्फ आप वन टाइम ही यूज करेंगे. सेकेंड टाइम इसको यूज कर सकते हैं, थर्ड टाइम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम इनको आप 3 बार यूज कर सकते हैं, और इनको सिर्फ वी एल और डी को सिर्फ वन टाइम यू हैव टू यूज. क्लियर बेटा? नाउ कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज योर नेक्स्ट पॉइंट? व्हेन ए डिजिट ऑफ ए लोअर वैल्यू इज रिटर्न टू राइट और आफ्टर द डिजिट ऑफ द हायर वैल्यू द वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स आर एडेड. मीन्स इसका मतलब क्या है? व्हेन ए डिजिट ऑफ द लोअर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट. फॉर एग्जाम्पल इसमें आप लेंगे जैसे ये आपका राइट हैंड है या आपका इस साइड पे लेफ्ट हैंड है. व्हेन ए डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू, जब कोई डिजिट लोअर वैल्यू भी है आपके पास, इज रिटर्न टू द राइट, राइट में लिखी जाए लोअर वैल्यू,
और आफ्टर द डिजिट ऑफ हायर वैल्यू, या फिर हायर वैल्यू के बाद में लिखी जाए, मीन्स वही बात राइट हैंड साइड पे लिखी जाए, द वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स आर एडेड, वो डिजिट्स जो होंगी वो आपकी एड होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा सिक्स, सिक्स कैसे लिखेंगे आप, फाइव प्लस वन, मीन्स जो आपकी लोअर वैल्यू है वो आपकी राइट हैंड साइड पे आएगी, तो आपका जो नंबर है वो बढ़ेगा। क्लियर है, दिस इज फाइव प्लस वन सिक्स। नाउ आपको जैसे लिखना है सेवन, सेवन में क्या करते हो, फाइव सिक्स और सेवन, सेम एट में फाइव सिक्स सेवन एट, ये आपका एट हो गया। ठीक है बेटा, आपको टेन लिखना है, टेन के लिए तो आपके पास एक्स होता है सिंपल। अब आपको इलेवन लिखना है, इलेवन हाउ टू राइट इलेवन, एक्स प्लस वन, मीन्स आप जो लेफ्ट हैंड में आपका जो नंबर है उसमें राइट हैंड साइड पे आप उस नंबर को ऐड करेंगे। इलेवन मीन्स इलेवन कैसे बना आपका, टेन प्लस वन करके, सिंबल फॉर टेन क्या होता है एक्स, और वन के लिए सिंबल क्या होता है आई, तो इलेवन क्या बन गया आपका एक्स आई। नाउ कम टू ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव सॉरी, फर्स्ट टेक ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव कैसे लिखेंगे बेटा, ट्वेंटी, ट्वेंटी मीन्स ट्वेंटी प्लस फाइव, और ट्वेंटी का क्या सिंबल होता है एक्स, एंड एक्स प्लस करेंगे फाइव, फाइव फाइव के लिए क्या सिंबल है वी, सो ट्वेंटी फाइव हाउ टू राइट ट्वेंटी फाइव, एक्स एक्स एंड वी। तो सेकंड आपका ये था कि भाई व्हेन ए डिजिट ऑफ ए लोअर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट हैंड और आफ्टर द डिजिट, जैसे आप डिजिट्स के बाद लिख रहे हो, देन द वैल्यू जो होगी, देन द वैल्यू ऑफ द ओल्ड डिजिट्स आर एडेड, ये आपके ऐड होंगे। जो इसका जो सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। क्या है अपोजिट, लेट व्हेन ए डिजिट ऑफ ए लोअर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट और बिफोर ए डिजिट ऑफ द हायर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द लोअर डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ द हायर वैल्यू। इसमें इसका अपोजिट होगा, उल्टा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा करेंगे हम, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो फर्स्ट वीडियो में हमने फोर को छोड़ा था, अब फर्स्ट उसी को लेके चलेंगे, फोर। आप फोर को कैसे लिखेंगे बेटा, फोर को आप लिखेंगे फाइव माइनस वन करके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रोमन न्यूमरल्स में फाइव का सिंबल है और वन का सिंबल है। जब आपने फाइव में से वन को सब्ट्रैक्ट किया तो आप उसके लेफ्ट हैंड पे लिखोगे। देखो यहां पे था आपका जो इससे पहले वाला पॉइंट था उसमें आप ऐड कर रहे थे, सिक्स को कैसे लिखा था आपने, फाइव प्लस वन करके, फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स। अब फोर लिखना है, जब आपकी फोर मीन्स फाइव के लिए सिंबल ये है माइनस वन, तो आप अपने लेफ्ट में लिखोगे माइनस वन, ये आपका माइनस वन हो गया। जब आपने लेफ्ट में लिखा वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर रहे हैं। और यहाँ पे केस क्या था, हाईएस्ट वैल्यू में लोवेस्ट वैल्यू अगर आप राइट हैंड साइड पे लिख रहे हो तो वो ऐड हो रही है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप हाईएस्ट वैल्यू, ये हाईएस्ट है, देखो बेटा दो, ये दो आपके पास सिंबल्स हैं, दो डिजिट्स हैं, ठीक है बेटा, ये दो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, फाइव बड़ा है, और वन क्या है, स्मॉलर है। अगर आपने स्मॉलर को राइट लेफ्ट में लिखा है तो वो माइनस हो रहा है उसमें से। अगर सेम चीज आपने यहाँ पे बड़े वाले को, ग्रेटर सिंबल को पहले लिख दिया और राइट में ऐड होता है, राइट में ऐड होगा, और आपका लेफ्ट में अगर छोटा लिखोगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है बेटा। एक बात और है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो है छोटे सिंबल को थ्री टाइम तक रिपीट कर सकते हो, जैसे ये बन गया आपका एट, जबकि फोर, अगर फोर लिखना है, फोर से पहले अगर मैं थ्री लिखना चाहूं तो मैं इसमें से एक और माइनस नहीं कर सकती, माइनस सिर्फ एक ही नंबर होगा, एक लोवेस्ट टर्म सिर्फ एक ही लोवेस्ट होगा। आपके लिए थ्री के लिए सिंबल है, थ्री के लिए क्या सिंबल होता है, वन टू थ्री, ये सिंबल है, ये थ्री नहीं हो सकता। जो कम वैल्यू है आपकी, कम वैल्यू सिर्फ एक ही बार माइनस होगी, सिर्फ एक ही सिंबल माइनस होगा आपका, दो सिंबल कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जबकि दो या तीन, तीन सिंबल आपके जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट सिर्फ आपका वन सिंबल होगा। सेम इन द केस ऑफ नाइन, नाइन के केस में भी यही है,
नाइन को आप कैसे लिखेंगे, जबकि एट तक तो बेटा ये था, एट तक का आपका ये सिंबल था कि आपने फाइव लिखा, वी फोर फाइव, एंड ये आपका पास वन था, ये भी वन था और ये भी वन था, फाइव प्लस वन सिक्स प्लस वन सेवन प्लस वन एट, ये आपका एट बन गया, ठीक है। अब रही बात नाइन की, एट के बाद आप नाइन को कभी ऐसे नहीं लिख सकते फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास क्या रूल था, जो पहले रूल था कि आप सिर्फ थ्री टाइम तक लिख सकते हो, आई को एक्स को और सी को आप सिर्फ थ्री टाइम लिखोगे, फोर टाइम तो आपके पास है ही नहीं, क्लियर है। अब नाइन पे आ जाओ आप, नाइन में क्या है, नाइन को आप कैसे लिखोगे टेन माइनस वन करके, ठीक है बेटा, टेन माइनस वन, जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको किस साइड लिखना है, अपने लेफ्ट में, टेन के लिए क्या सिंबल है एक्स, अब माइनस कर रहे हो तो आपको लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, ये आपके पास सिंबल किस चीज का बन गया, नाइन का। और इलेवन लिखना हो तो आप इलेवन, इलेवन को कैसे लिखोगे, टेन प्लस वन दैट इज योर इलेवन, तो एक्स प्लस वन, प्लस वन करते हो तो राइट में जाओगे, प्लस वन हो गया, इलेवन बन गया। और नाइन किया है, नाइन मतलब टेन माइनस वन, इसको आप राइट में लिखोगे, ये डिफरेंस देखो एक बार, इलेवन लिखा तो टेन प्लस वन, राइट में लिखा वन को, स्मॉलेस्ट यूनिट को, और नाइन लिखा तो टेन माइनस वन नाइन, इसको आपने स्मॉलेस्ट यूनिट को आपने लेफ्ट में लिखा, क्लियर बेटा। ये जो डिफरेंस है आप प्रैक्टिस करोगे, यू कैन इजिली डू द रोमन न्यूमरल्स। नाउ कम टू योर लास्ट पॉइंट, दैट इज फाइव इज नेवर रिटन लेफ्ट ऑफ x। अच्छा, जो जैसे डिजिट्स थे आपके, वन लिखा गया, आपने नाइन लिखा तो टेन माइनस वन कर दिया, नाइन बन गया ना, पर कभी भी आपको फाइव जो है लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा, मतलब ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जो आपका लास्ट पॉइंट है ना, सी केयरफुली, फाइव इज नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, फाइव कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा एक्स के, इसका मतलब वही फिर बन गया टेन माइनस फाइव, आप सिर्फ वन टू थ्री को ही माइनस कर सकते हो, ठीक है, टेन माइनस फाइव, ये अब ये जो फाइव है ये कभी भी नहीं आएगा लेफ्ट में, ये हमेशा आपके राइट में आएगा, ये तो कोई नंबर ही नहीं है, दैट इज इनवैलिड। और ये टेन, ये सिंबल किसके लिए है, x 10 के लिए, 10 प्लस और v किसके लिए है, 5 के लिए, सो ये दोनों इस राइट में है ना, स्मॉलेस्ट क्या है, राइट में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सो 10 प्लस 5 क्या बन गया आपका, 15 बन गया। अगर मैं ये देखूं x x एंड v, ये क्या बन गया आपका, दैट इज 10 मीन्स x मीन्स 10, ये वाला x अगेन 10, 10 प्लस 10, आप उससे हट जाएंगे, और ये आपका क्योंकि क्या है, आपके जो है ये सेम नंबर है, 10 प्लस 10 बना, और ये आपका लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट नंबर तो ऐड हो रहे हैं, प्लस में 5, दैट इज 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25, ये जो सिंबल है, ये जो नंबर है रोमन नंबर्स में, आप 25 को ऐसे लिखेंगे, क्लियर है बेटा। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, दैट इज, अब ध्यान से देखें आप, वन, वन को कैसे लिखा, वन, टू, वन वन, थ्री, वन टू थ्री, फोर को, फाइव माइनस वन फोर, फाइव, फाइव के लिए सिंबल है आपके पास बी, सिक्स के लिए सिक्स प्लस वन, फाइव प्लस वन सॉरी सिक्स हो गया, देन सेवन, फाइव सिक्स सेवन, एट के लिए फाइव सिक्स सेवन एट, नाइन के लिए टेन माइनस वन टेन, एंड माइनस वन यू हैव टू राइट डाउन हियर, दिस इज वन, टेन माइनस वन नाइन, सिंबल फॉर टेन एक्स, सिंबल फॉर इलेवन, इलेवन मीन टेन प्लस वन इलेवन, ट्वेल्व टेन, दिस इज टेन, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, एंड फोर्टीन टेन फोर्टीन, हाउ टू राइट फोर्टीन, वन फोर आई फाइव, ठीक है बेटा, टेन प्लस दिस इज फोर्टीन, फिफ्टीन, फिफ्टीन के लिए टेन है,
और प्लस फाइव, फाइव के लिए ये सिंबल आपके पास। रोमन न्यूमरल्स में देयर आर ओनली सेवन डिजिट्स, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ओनली सेवन सिंबल्स, सेवन सिंबल्स कौन से होते हैं? प्रीवियस वीडियोस में किया था ना आपने, वन देन फाइव देन टेन देन एल, एल फॉर फिफ्टी देन सी, सी फॉर हंड्रेड देन डी, डी फॉर फाइव हंड्रेड एंड एम, एम फॉर थाउजेंड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सिर्फ सेवन सिंबल है बेटा रोमन न्यूमरल्स में। इसके अलावा रोमन न्यूमरल में तो जीरो के लिए भी कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। नाउ फिफ्टीन तक आप यहाँ कर चुके हो, फिफ्टीन के बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 21 आपने लिखना है, तो 21 को कैसे लिखोगे? एक्स एक्स 20 प्लस 1, 36। हाउ टू राइट 36? 36 मीन्स 30 प्लस 6। 30 को कैसे लिखते हैं? 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड 6, 5 प्लस 1। 5 को कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 1 6। दिस इज योर 36। नाउ 39 में 30 प्लस 9, 30 को कैसे लिखोगे आप? x x x और 9 को, 9 मीन्स 10 माइनस 1 लाइक दिस, दिस इज 39। अब 40 के लिए देखो बेटा, 40 के लिए आपके पास 4 टाइम आप x लिख नहीं सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम रोमन न्यूमरल्स को 3 टाइम्स ही रिपीट करते हैं इन डिजिट्स को, ठीक है। अब 40 के लिए क्या है, 40 को हम लिखेंगे 50 माइनस 1। 50 माइनस 1 का मतलब है 50। 50 के लिए क्या सिंबल है? एल, और माइनस कर रहे हो तो आपको कहां लिखना पड़ेगा, सॉरी 50 माइनस 10। 40 मीन्स 50 माइनस 10, तो माइनस कर रहे हो, माइनस आपका किस में आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो x को आप यहां लिखोगे फोर, दिस इज 50 माइनस 10 दैट इज 40। अब 41 लिखना है, तो 40 का सिंबल याद हो गया अच्छे से, तो 41 लिखना है तो x, l और 1, क्लियर है। 49 लिखना है, 40 कैसे है? x, l और 9 1x। नाउ 50 आपका क्या होता है? 50 के लिए अलग सिंबल है, 50 मीन्स l। और 60 राइट डाउन करना है, तो 60 मीन्स 50 प्लस 10। 50 प्लस 10 में 50 के लिए क्या है? एल, और 10 के लिए एक्स, ये आपका 60 बन गया। 70 लिखना है तो एल एक्स एक्स, 50 60 70। 80 के लिए 50 60 70 80। अब आ जाओ 90 पे, 90 कैसे लिखेंगे? 90 फिर आपका 40 की तरह लिखेंगे, 90 का मतलब है 100 माइनस 10, 90। 100 के लिए क्या सिंबल आपका? C, और 10 माइनस करना है, माइनस करना है तो आप लेफ्ट में लाओगे, 10 का मतलब X, ये आपका बन गया 90। 92 लिखना है तो X, C, 90 2 1 2 1 2, क्लियर है, दैट इज 92। सो बेटा टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन 1 to 100 इन रोमन न्यूमरल्स, इन रोमन न्यूमरल्स इन योर फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक, क्लियर बेटा? दिस इज योर होमवर्क, थैंक यू।